अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम, दिस इज इम्तियाज मलिक और यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मॉक टेस्ट 7th ऑन साइंस। दिस टेस्ट इज स्पेशली मेड फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। इससे पहले भी मैंने कुछ टेस्ट अपलोड कर रखे हैं विच इंक्लूड स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स। आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। तो चलिए हम टेस्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपन्स टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ करंट कैरिंग वायर इज इंक्रीज्ड। सिंपल है, बोरा है, अगर आपके पास एक वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, इंक्रीज होगी, या फिर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट है वो बड़ा इजिली इसको कर सकता है और जिसको नहीं है वो सुन लो। हमारे पास सपोज एक कंडक्टर है, मींस एक वायर है, ये रही वायर। इस वायर का ये जो एरिया होता है ना साइड से, ये कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिनोट करते हैं हम ए से। ये कंडक्टर होता है तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सकते हैं और तभी तो करंट फ्लो होती है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है आमतौर पर वो रेंडमली होती है, मतलब कोई यहाँ को मूव हो रहा होगा, कोई ऊपर को जा रहा है, कोई नीचे को आ रहा है, कोई यहाँ को आ रहा है, मतलब डेफिनेट डायरेक्शन इनकी नहीं है। बट जब हम एक बैटरी इसके साथ कनेक्ट करते हैं, क्या करेंगे, कनेक्ट बैटरी। अब जब हम इसके साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स है ये सब के सब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है और सेम चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करती है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड है, ये सारे के सारे कहां को जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये सब इधर को मूव होंगे, ये इन सब की डायरेक्शन ये रहनी है। अब समझ आ रही मेरी बात, कहां की तरफ, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक वेलोसिटी आई, एक एवरेज वेलोसिटी जो इनकी आई टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट ऐसे चलता है, इलेक्ट्रिक करंट चला ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से होती है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक एक्सप्रेशन है, एक फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई एन ई ए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसके लिए। अब देखो इसमें आई क्या है, आई करंट है, आई तो समझ जाओगे आप, करंट है। एन क्या है, एन है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को हम एन से डिनोट किया। ई क्या है, ई है चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कॉलम। और ए क्या है, ए है हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो है ना, ये कितना मोटा है, यहां से अगर इसको देखोगे ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब यहां देखो इस इक्वेशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड में है, अब इसका मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। यहां क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब क्या होगी, इनवर्स रिलेशन है ना इनका, वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी घट जाएगी। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, अच्छा ये 1, 2, 3, ये तीन स्टेटमेंट्स है, आपको क्या बोलना है, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन है। देखो पढ़ते हैं हम, पहला, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। मैंने कल भी ये डिस्कस किया था आपके साथ कि जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गैन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को ये गैन करते हैं तो इनमें कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं बल्कि इलेक्ट्रो नेगेटिव। नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव, मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। The most abundant non-metal on the earth crust is oxygen. ये सही है। जो most abundant non-metal earth की crust पे है वो oxygen होता है and it is followed by silicon. But अगर metal की करेंगे तो metal सबसे ज्यादा कौन सा होता है, aluminium and which is followed by iron. तो option second सही है। Third क्या है, statement second सही है। Third statement क्या है, The non-metals may be solid, liquid or gases at room temperature. ये भी सही है। Non-metals solid भी हो सकते हैं, liquid भी हो सकते हैं, gases भी हो सकते हैं। But metals generally solid होते हैं except mercury. तो यहाँ पर
ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड हमारा मतलब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स प्रोड्यूस डैश एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज एंड प्रोडक्ट। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है फॉर एग्जांपल यीस्ट, तब एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एथेनॉल होता है, लैक्टिक एसिड होता है, या दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है तब एंड प्रोडक्ट होता है हमारे पास एथेनॉल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब यही एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है कहां पर, एनिमल्स के मसल टिश्यूज में, मसल टिश्यूज जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो तब मसल टिश्यूज में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उस समय जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। तो यहां पर प्लांट्स की बात की है तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। दो रेजिस्टर्स है जो को आप पैरेलल कनेक्ट करोगे, आपको फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताना है। सपोज ये दो पॉइंट्स है और इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर्स को मैं जब कनेक्ट करूंगा तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाता है। सपोज ये एक रेजिस्टर है R1 और ये है हमारा R2। R1 कितना है, ये भी 10 ओम का है और R2 भी है 10 ओम का है। अब ये जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन बताना, मतलब टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इसका कितना होगा, फार्मूला क्या है इसका, 1/R, R हमारा रिजल्टेंट होगा, बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। और किसके बराबर हुआ ये, 1/R1 कितना है 10 प्लस R2 कितना है, ये R2 मानते हैं, ये भी है 10। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10 × 1 10 प्लस 10 × 1 10 डिवाइड बाय ये 10 और 10 100, इस तरह मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 20/100। अब हमें ये 1/R है 20/100, मुझे क्या चाहिए, R चाहिए, तो R/1 या उल्टा किया मैंने, R/1 R इक्विवेलेंट कितना आएगा, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल लो 100/20। अब ये 0 ने इस 0 को काटा, इस 2 ने इसको 5 टाइम काटा, तो मेरे पास R कितना आया 5 ओम। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। वहीं अगर इन रेजिस्टर्स को ये बताया होता कि सीरीज में है और फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताओ, मतलब सीरीज मतलब ये एक है और ये फिर दूसरा है, ये भी 10 ओम का, ये भी 10 ओम का, सीरीज के केस में सिंपल R कितना होता है, ये दोनों को ऐड करते हैं 10 + 10 वो कितना आता है 20 आता है, पैरेलल के कॉम्बिनेशन में पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम जनरली CNG कहते हैं, तो CNG में सबसे ज्यादा क्या होता है, मीथेन होता है इसका, इसका सही आंसर आएगा ए। और वहीं LPG की बात अगर करें तो वहां पर चीफ कंस्टिट्यूएंट क्या है, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड एज। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, देखो ये जितने भी फार्मूले हैं V - U/T, dV/dt, δV/δt, ऑल ऑफ द अबव, देखो एक्सेलरेशन के तो ये सारे फार्मूले हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब dV/dt, δV/δt, δV का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, δT/ मतलब चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। और इसी को मैं इसको मैं δV/δt को कैसे मैं लिख सकता हूँ, V - U/ चेंज इन टाइम को मैं कुछ t लिखूंगा, V है फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम। बट ये वाली जो एक्सेलरेशन आएगी ये हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी एवरेज एक्सेलरेशन। अगर हम ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये बहुत थोड़ी सी चेंज हो रही है, मतलब बहुत माइन्यूट जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, ये बहुत कम है, तब हम उसको δV नहीं लिखेंगे, तब हम लिखेंगे क्या, इसको dV। और वो थोड़े से टाइम में होता है, मतलब टाइम कितना है, कितना टाइम चेंज हुआ, एक सेकंड भी नहीं, उससे भी छोटा, माइक्रो सेकंड्स। तो तब हम उस टाइम को क्या लिखेंगे, हम dt।
अब डीवी अपॉन डीटी मतलब चेंज इन टाइम बाय चेंज इन टाइम, ये थोड़ा सा टाइम चेंज होने से थोड़ी सी वेलोसिटी होगी, ये हमारी कहलाती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज पूछा होता तो इन दो में से कोई एक या दोनों आ जाते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस पूछा है तो डीवी अपॉन डीटी ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी डीवी अपॉन डीटी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी आयर पोल्यूटेंट, इनमें से सेकेंडरी आयर पोल्यूटेंट कौन सा है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकेंडरी आयर पोल्यूटेंट वो होते हैं जो प्राइमरी आयर पोल्यूटेंट की रिएक्शन की वजह से, वो जब रिएक्ट करते हैं वो मिलते हैं, उनके मिलने से फिर एक सेकेंडरी आयर पोल्यूटेंट बनता है। तो इनमें से सेकेंडरी आयर पोल्यूटेंट है ओजोन, इसका आंसर सही है ओजोन। ओजोन किन दो पार्टिकल से मिलकर बनता है? तो ये बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्लस वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब हमारा ओजोन ग्राउंड लेवल ओजोन डेवलप होता है जो कि एक पोल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर एट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वन एंड टू, और फिर आपको क्या बोलना है, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बताना है। पहला स्टेटमेंट है जाइलम वेसल डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म आर न्यूक्लियाई। देखो जाइलम वेसल आप जानते हैं ये क्या कैरी करता है, वाटर एंड मिनरल। ये एक डेड सेल होता है तो इसके पास ना तो साइटोप्लाज्म होता है ना ही न्यूक्लियाई होता है, ये सही आएगा ऑप्शन स्टेटमेंट वन करेक्ट है। दूसरा क्या है, सीव ट्यूब्स विच फॉर्म फ्लोइम कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, ये लिविंग है, लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स होते हैं, या इन्हें हम सीव ट्यूब एलिमेंट भी बोलते हैं। विच फॉर्म फ्लोइम कंटेन साइटोप्लाज्म, क्या ये साइटोप्लाज्म कंटेन करता है? तो आंसर है यस, इसके पास साइटोप्लाज्म होता है। क्या न्यूक्लियस होता है? तो आंसर है नो, सीव ट्यूब में साइटोप्लाज्म होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, इसके साथ में अगर हमारे पास ये एक सीव ट्यूब है, इसके साथ में एक और सेल होता है जिसको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। इस कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस भी होता है और इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, लेकिन सीव ट्यूब में साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस की वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट वन आएगा ओनली ए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज, तो कौन सी है फंगल डिजीज, वूपिंग कॉफ, टैटेनस, चिकन पॉक्स या फिर रिंग वर्म। इसमें जो वूपिंग कॉफ है ये होती है बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। इसे हम 100 डेज कॉफ भी कहते हैं। टैटनस ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसे हम लॉक जॉ भी कहते हैं। चिकन पॉक्स ये एक वायरल डिजीज है और रिंग वर्म जो है ये है फंगल डिजीज। पूछी कौन सी थी, फंगल डिजीज पूछी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर टेंथ, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शन है आपके पास थायामाइन, राइबोफ्लेविन, नाइकोटिनिक एसिड या फिर फोलिक एसिड। तो बेरी बेरी होता है थायामाइन से, इसको हम बोलते हैं ये विटामिन B1 है। राइबोफ्लेविन कौन सा है, ये है विटामिन B2। नाइकोटिनिक एसिड ये है विटामिन B3 और फोलिक एसिड कौन सा है, ये है B9। ये रहे 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एट द एंड में कहना चाहूंगा, अगर आप नए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप के साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।